बड़ी खबर, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक विवादित कार्टून वीडियो जारी किया है और ये कार्टून वीडियो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए है। उन्होंने पीएम मोदी को रावण के तौर पर दर्शाया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम के तौर पर दिखाया गया है और इस वीडियो में लिखा है 2024 का राजनीतिक टाइम बम फिट हो चुका है, समय का इंतजार कीजिए। देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें 2022 की बात है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वरूप नजर आ रहा है, रावण के रूप में उन्हें दिखाया गया। तो देखा आपने, ये वीडियो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जेडीयू नेता की तरफ से जारी किया गया है। जेडीयू ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से अब 2024 का राजनीतिक टाइम बम फिट हो चुका है, समय का इंतजार कीजिए। देखिए, नीरज कुमार जेडीयू नेता हैं, उन्होंने लिखा 2024 का राजनीतिक टाइम बम फिट हो चुका है, इसमें पीएम मोदी को रावण के रूप में दिखाया और टाइम बम के रूप में नीतीश कुमार दर्शाए गए हैं। एक अलग तरह की सियासी हलचल यहां पर नजर आती है और अब ये कार्टून वीडियो के जरिए पीएम पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात है कि आखिर अब इसका जवाब बीजेपी की तरफ से कैसे दिया जाता है। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की ओर से इसे शेयर किया गया है। अब आप इस वीडियो को देखिए। अब राजनीति का ये पहलू है कि इस तरह के वीडियोस जब आते हैं तो उस पर सुर्खियां ये काफी बटोरते हैं और ये चूंकि विवादित वीडियो दिखता है तो इस पर अब किस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से सामने आती है, ये सवाल है। लेकिन जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की ओर से ये वीडियो शेयर किया गया। आप कल की तस्वीर याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे थे, उन्होंने समाज की बुराइयों को खत्म करने की बात कही थी। दूसरी तरफ आप देखिए कि विपक्षी दलों की ओर से किस तरह के वीडियोस जो हैं वो जारी किए जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने, इस पर विपक्षी दलों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा वो सुनिए। दल यूनाइटेड के प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी ने अब मान लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब आत्मघाती बम है और उन्होंने ये भी मान लिया है कि अब अलकायदा और लश्कर ए तोयबा के जैसा जदयू हो गया है और ओसामा बिन लादेन के राह पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, चूंकि उनको पता है कि सच की विजय होती है, जो सच है वो सच है। लेकिन आत्मघाती बम बनाने के लिए और बताने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के लिए अब आत्मघाती बम हो चुके हैं और लश्कर ए तोयबा। तो बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। आरपी सिंह इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, ये जेडीयू नेता की तरफ से ये वीडियो जिसमें पीएम मोदी को रावण रूपी और नीतीश कुमार को टाइम बम कहा गया, क्या कहेंगे? चलिए, इनकी सोच है ऐसी कि देश के प्रधानमंत्री को रावण से कंपेयर करें या रावण रूपी बताएं, परंतु किस प्रकार का टाइम बम है, जो कितनी बार बताया जाता है, फटेगा फिर फुस हो जाता है। वो पहले कन्वीनर बनना चाहते थे, ये जो इंडी अलायंस के बड़े हल्ला हुआ, बड़ा शोर हुआ जी, खुश हो गया। उसके बाद फिर उस टाइम बम को बोला गया कि वो प्रधानमंत्री जी बनना चाहते हैं और उसके लिए वहां पे कैंपेनिंग भी हुई। उसके बाद फिर खुश, फिर ये हुआ कि इंडी लाइन्स मैंने बनाया है, मैं चलाऊंगा इंडी लाइन्स, सारा कुछ मैं करूंगा जी जी। उसके बाद वो इंडी लाइन्स भी नहीं चल पाया, वो आज 2 महीने हो गए इंडी लाइन्स की मीटिंग नहीं हुई, सभाएं नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये इसी प्रकार का है जैसे सुतली बम होता है ना दिवाली के दिनों में, तो उस प्रकार का सुतली बम है जो उस बम है। ठीक है, आरपी सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह को आपने सुना, उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं दिवालियापन है नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी के नेताओं का, जो इस तरह से ये वीडियो जारी किया गया है।